प्रदेश पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकर मीटिंग की। मीटिंग में आगामी चुनाव में बदमाश द्वारा अवैध असलाह, शराब और अवैध रुपयों पर रोकथाम के उद्देश्य से यूपी से लगे अन्य राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि पिछले 3 साल से उत्तर प्रदेश में अपराध के मामलों में कमी आई है। कि हम कैसे पेट्रोलिंग करके और सील करके बॉर्डर को, उस दिन हमारा जिस दिन इलेक्शन होगा, आप जानते हैं कि हमारा 7वें फेज में इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश का, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में 12 मई को इलेक्शन होना है जी। तो वो उनका उस समय हम 2-3 फेज कर चुके रहेंगे जी जी। तो इन सभी बिंदुओं पर हमारी विशेष चर्चा हुई और सभी लोगों ने, सभी राज्यों ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स को रखा जी। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही सार्थक मीटिंग रही। प्रतापगढ़ से खबर है, बेखौफ दबंगों ने दुकान में घुसकर